नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच एनसीपी नेता शरद पवार का एक दावा नए विवाद को जन्म दे रहा है। दरअसल केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए शरद पवार ने दावा किया है कि निर्वाचित नेताओं को पहले नए संसद भवन में प्रवेश करने का मौका नहीं मिला। नए संसद भवन की जो पहली तस्वीर सामने आई वो निर्वाचित सदस्यों की नहीं बल्कि भगवा वस्त्र पहने लोगों की थी। बता दें, नए संसद भवन को लेकर पहले ही कई विपक्षी नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार भी किया था। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने जोर देकर कहा था कि उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू के जरिए किया जाना चाहिए क्योंकि वो देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। वहीं विपक्षी नेताओं के साथ शरद पवार ने भी सुर से सुर मिला लिया है और बीजेपी पर नए संसद भवन उद्घाटन को लेकर हमला बोला है। एनसीपी नेता का ये हमला महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक सौहार्द बैठक के दौरान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नए संसद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसदीय गतिविधियों के लिए बातचीत करने में सामान्य गिरावट आई है। इससे पहले भी राजनीतिक दलों के बीच मतभेद थे, लेकिन उन्होंने बातचीत के जरिए उन्हें सुलझाने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आया कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बारे में फैसला बातचीत के जरिए लिया जा सकता था, लेकिन मुझे नए भवन के बारे में अखबारों से पता चला। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 मई को किए गए नए संसद भवन के उद्घाटन से 20 से ज्यादा विपक्षी दलों ने दूरी बनाई थी, जबकि कांग्रेस ने इस उद्घाटन को राज्याभिषेक की तरह मनाने का आरोप लगाया। मामले में किसी का नाम लिए बगैर शरद पवार ने आगे कहा कि सरकार के प्रमुख व्यक्ति नियमित रूप से संसद सत्र में भाग नहीं लेते हैं। अगर किसी दिन सरकार के मुखिया संसद में आ जाएं, तो उस दिन कुछ अलग ही एहसास होता है। संसद सबसे ऊपर है, अगर इसे महत्व नहीं दिया जाता है तो लोगों की धारणा भी प्रभावित होती है। हमने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को आमंत्रित करने की मांग की, इसका विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिलहाल नए संसद भवन को लेकर विवाद इतनी जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा है। लगातार विपक्षी दल नए संसद भवन की जरूरत को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी की ओर से कोई ठोस जवाब सामने नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।